सर स्लाइड शेयर कर दी है, आप चेक करें, शो हो रही है आप सब? यस अच्छा आरिफ, आप ही इनको ऐड भी करते रहिएगा जो स्टूडेंट आते रहे, ठीक है? ठीक है सर, मैं कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे एरर्स की, टाइप्स ऑफ एरर, एरर होते क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स वगैरह को। आज के टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉड से, और फ्रॉड की डेफिनेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉड इज अ रियली अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एंट्री व्हिच इज मेड ऑलवेज इंटेंशनली विद सम मिस्क्लूसिव ऑब्जेक्टिव्स। फ्रॉड बुनियादी तौर पे प्री प्लान्ड होता है, जिसके अंदर प्लानिंग शामिल होती है। फ्रॉड के जरिए जो गलती की जाती है उसके पीछे कोई मेन ऑब्जेक्टिव बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या इसके अकाउंट डिपार्टमेंट किसी बेनिफिट को अचीव करने के लिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर मैनिपुलेशन या गलती करता है, उसको हम कहते हैं फ्रॉड। तो फ्रॉड जो है एक ऑडिटर के लिए डिटेक्ट करना और ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि फ्रॉड में फ्रॉड के करने वाले की कोशिश होती है उसको मैक्सिमम लेवल पे कवर करना, हाइड करना। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग मरहला होता है एक ऑडिटर के लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि फ्रॉड्स होते किस किस डायमेंशन में है, और एक एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे मीडियम हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन कौन से डोमेन है जहाँ पे फ्रॉड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो सबसे जो बुनियादी और कॉमन फ्रॉड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो होता है फ्रॉड ऑफ कैश। यानी जो कैश का लेन देन होता है, कैश की जो ट्रांजेक्शन होती है, कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर जो नॉर्मली लोग गलती करते हैं या उसके अंदर जो फ्रॉड करते हैं, ये एक नॉर्मल फ्रॉड होता है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होता है। इसके एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों डेली बेसिस पर उसकी सेल के अगेंस्ट जो पेमेंट रिसीव होती है वो पेमेंट रिसीव हो 5 लाख, और अकाउंटेंट जो है उसको ट्रांजेक्शन में एंट्री करे 4 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपए उसने कम रिसीव तो किया है लेकिन शो अकाउंट रिकॉर्ड में कम किया है, ये क्या कहलाएगा? ये फ्रॉड कहलाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ अकाउंट रिसीवेबल की पेमेंट रिसीव हो जाए लेकिन वो उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एंटर ना करे, पेमेंट करें कम और शो ज्यादा कर दें। किसी परचेजिंग में पेमेंट थी 7 लाख की और उसने शो कर दी 9 लाख, तो ये जो 2 लाख ज्यादा शो किए हैं, तो ये कैश बेनिफिट हासिल करने के लिए अकाउंटेंट ने या ऑर्गेनाइजेशन के किसी अथॉरिटी होल्डर ने इन्वॉल्वमेंट करके प्लान करके जो ये एक्टिविटी अंजाम दी, इसको हम कहते हैं फ्रॉड ऑफ कैश। फिर उसके बाद एक नॉर्मल जो फ्रॉड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है या होता है उसे कहते हैं सर, फ्रॉड। जी ये जो फ्रॉड ऑफ कैश है परचेजिंग में, ये तो डिटेक्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो जो इनवाइस बनाएंगे वहां पे तो वो इनवाइस तो उसी पे होगी, तो जब ऑडिट हो रहा होगा तो उस पर तो डिटेक्ट नहीं होगा कितने का फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ। हाँ, परचेजिंग, और परचेजिंग के अंदर जो है अगर फ्रॉड के अंदर उसने जो है मतलब पक्का काम कर रहा है इस सेंस में कि जहाँ से परचेज, जो हमारे यहाँ लोकली प्रैक्टिस है, तो फिर उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अगर वहां से मतलब बोथ साइड पर जो उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बोथ साइड पर अंडरस्टैंडिंग है तो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आपका सवाल सही। अब उसके बाद है फ्रॉड ऑफ गुड्स।
प्रोडक्ट ऑफ गुड्स किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, वहां पे इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, सर्विस में भी कुछ ना कुछ गुड्स और इन्वेंट्री होती है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत ज्यादा होती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जो गुड्स होती हैं, यानी जो स्टॉक्स होते हैं अवेलेबल, उन स्टॉक को कम शो करना, स्टॉक को ज्यादा शो करना, गुड्स हैं ज्यादा और रिकॉर्ड में शो की जा रही है कम, गुड्स हैं कम रिकॉर्ड में शो करी जा रही है ज्यादा, ये कब करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी होल्डर? कम उस वक्त रिकॉर्ड में शो करता है कि जब उसने मर्चेंडाइज अवेलेबल का रिकॉर्ड कम शो कर रहा है, जबकि एक्चुअली वो है ज्यादा। इसका मकसद है वो गुड्स को कहीं और ट्रांसफर करना चाहता है। ज्यादा कब शो करता है? कि जब वो कुछ मर्चेंडाइज सेल करके, पेमेंट रिसीव करके खुद कंज्यूम कर चुका है, लेकिन वो उसका कैश ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है रिकॉर्ड में, तो वो होती गुड्स कम है, शो ज्यादा करता है। तो ये जो गुड्स से रिलेटेड हेरा फेरी होती है, इसको हम कहते हैं फ्रॉड ऑफ गुड्स, जो कि एक नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। फिर उसके बाद होता है फ्रॉड ऑफ एसेट्स। आपने अकाउंटिंग में डिटेल में पढ़ा होगा कि और हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, या सर्विसेज ओरिएंटेड हो, उसके मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ एसेट्स होते हैं। एसेट्स कोइक्स भी होते हैं, एसेट करंट भी होते हैं, एसेट फिक्स भी होते हैं, एसेट इंटेंजिबल भी होते हैं, एसेट इंटेंजिबल भी, टेंजिबल भी होते हैं, इंटेंजिबल भी होते हैं। तो एसेट्स की वर्थ में, एसेट्स की ऑनरशिप में, एसेट्स की एग्जिस्टेंस में, जो कोई जान करके गलती करता है किसी पर्सनल बेनिफिट को हासिल करने के लिए, वो कहलाता है फ्रॉड ऑफ एसेट्स। यानी आपने एसेट्स में कुछ चेंजिंग करी है जान करके अपने बेनिफिट में इजाफा करने के लिए, तो ये भी एक नॉर्मली एक पाए जाते हैं फ्रॉड, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एमिनिटीज। ये वो एक तरह का फ्रॉड होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशन अपने डेजिग्नेटर्स को, अपने अथॉरिटी होल्डर्स को जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज देती है, मुख्तलिफ मराहत देती है, मुख्तलिफ सहूलियात देती है, उन मराहत, उन सहूलियात, उन फैसिलिटीज का नाजायज इस्तेमाल। नाजायज और जायज इस्तेमाल किसे कहते हैं? कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई सहूलत दी है ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए और आप उसको पर्सनल काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई मराहत या कोई फैसिलिटीज दी है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, आप पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये भी फ्रॉड कंसिडर किया जाता है, जिसे कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एमिनिटीज। इसकी एग्जाम्पल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय को व्हीकल, गाड़ी, कार दी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के लिए है। ऐसे में अगर एम्प्लॉय किसी अपने पर्सनल, किसी एक्स्ट्रा काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, किसी मजीद वो पार्ट टाइम कोई जॉब या कोई और दूसरा काम कर रहा है उसमें उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एक तरीके से फ्रॉड कहलाएगा कि आपको जो सहूलियात दी गई है आप उसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक फ्रॉड जो ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली होता है, वो होता है फ्रॉड ऑफ लेबर। कि आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर होती है वो तीन तरह की होती है, वो एक होती है स्किल, एक होती है सेमी स्किल, एक होती है अनस्किल, और ये तमाम डिटेल शुरू में मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इन तीनों लेबर का किसी भी बिजनेस में एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी होता है, वरना बिजनेस का सर्वाइवल और ग्रोथ पॉसिबल नहीं रहती। तो ये जो लेबर से रिलेटेड जो मुख्तलिफ डोमेन होती हैं, लेबर की रेम्यूनरेशंस हैं, लेबर की फैसिलिटीज है, लेबर की क्वांटिटी है कि किस काम में कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर की जरूरत, तो ये भी फ्रॉड। अगर हम लेबर की जरूरत है कम और हमने हायर कर लिए ज्यादा, लेबर का रेम्यूनरेशन बनता है कम, हम दे रहे हैं ज्यादा, तो ये भी जो है टॉप मैनेजमेंट का एक तरीके से फ्रॉड ऑफ लेबर होता है। फिर उसके बाद एक फ्रॉड होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। एक अकाउंटेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब कोई पर्सनल बेनिफिट हासिल करता है या कर चुका होता है या करना चाहता है या कर रहा होता है,
ऐसे में वो अपने इस नेगेटिव एक्ट को हाइड करने के लिए मैनुपलेशंस करता है। और ये मैनुपलेशंस कहाँ पर होती हैं? ये मैनुपलेशंस होती है उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर। तो अकाउंट्स बुक के अंदर मैनुपलेशन करना, चेंजिंग करना, ऐड और लेस करना, फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन पास करना, फर्नीचर परचेज किया है नहीं, फर्नीचर की एंट्री कर दी, परचेज फर्नीचर ऑन कैश 50,000। तो ये जो मैनुपलेशन होती है ये भी एक तरीके से फ्रॉड में कंसीडर की जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस वीक होती है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस का सबब बनती है। तो ये मैनुपलेशन को भी हम फ्रॉड कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर टाइप्स ऑफ फ्रॉड थे जो कि हमने डिस्कस किए, फ्रॉड ऑफ कैश, कैश की डोमेन में फ्रॉड, फ्रॉड ऑफ गुड्स, गुड्स की डोमेन में फ्रॉड, फ्रॉड ऑफ एसेट्स, एसेट्स के अंदर चेंजिंग क्या फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एनविटीज, यानी कि जो सहूलियात दी गई है टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट को, उसके अंदर पाई जाने वाली जो चेंजिंग होती है उसको फ्रॉड कहते हैं। उसके बाद फ्रॉड ऑफ लेबर, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक का सेक्शन था फ्रॉड, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे एरर एंड फ्रॉड हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे ऑडिटर्स की ड्यूटी की। देखिए, जब ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में एग्रीमेंट होता है तो ऑडिटर और क्लाइंट जो है उसके दरमियान ये तय होता है कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या होगी, क्लाइंट की ड्यूटी क्या होगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इस एग्रीमेंट के तहत ये बात तय की जाती है कि ऑडिटर की ड्यूटी जो है वो राइट है क्लाइंट का कि उसको फुलफिल किया जाए, और क्लाइंट की जो ड्यूटी है वो राइट है ऑडिटर का कि उसको फुलफिल किया जाए। एक नॉर्मली एग्रीमेंट के तहत ये तय होता है कि ऑडिटर आपका ऑडिट करेगा, तो ऑडिट को सही तरीके से करना, ये ड्यूटी ऑफ ऑडिटर है। क्लाइंट की ड्यूटी होती है ऑडिटर को उसका तयशुदा रेमुनरेशन यानी मुआवजा देना, जो कि वो सर्विसेज के अगेंस्ट तय किया गया, ये एक क्लाइंट की ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की डोमेन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, यानी ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या है। सबसे पहली जो ड्यूटी है, एन ऑडिटर शुड चेक द इंटरनल चेक सिस्टम इन फोर्स एंड एग्जामिन इट्स वर्क वर्किंग इन प्रैक्टिस। एक ऑडिटर की जो सबसे मेन ड्यूटी होती है वो ये कि वो एक स्नैपशॉट ले सके, वो एक जजमेंट क्रिएट करे, किससे रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट करने जा रहा है। यानी वो डायरेक्ट ऑडिट एक्टिविटी नहीं एग्जीक्यूट करता, बल्कि वो ऑब्जर्व करता है, वो अंडरस्टैंड करता है, वो समझने की कोशिश करता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सही है या नहीं है, वहाँ की जो वर्किंग प्रैक्टिस है वहाँ पे रूल रेगुलेशन की फॉलोइंग किस हद तक है, डिसिप्लिन की फॉलोइंग किस हद तक है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, इसका एक स्नैपशॉट लेना, इसकी एक परसेप्शन डेवलप करना, ये जो है बहुत अहम होती है किसी भी ऑडिटर के लिए फ्यूचर वर्किंग के लिए। अगर डिसिप्लिन की फॉलोइंग, इंटरनल चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी स्मूथ होगी, तो इसका मकसद है कि इस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज ना होने के बराबर होगी, और यहाँ पर वैरायटी ऑफ एरर भी कम से कम होंगे। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन की वायलेंस हो रही है, डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा, और इसी तरह अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर या वीक है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड भी पॉसिबल हो सकते हैं, और एक लार्ज वैरायटी होगी जो कि एरर्स और मिस्टेक की होगी। तो ऑडिटर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करना, इंटरनल चेक सिस्टम यानी अकाउंटेबिलिटी लेवल क्या है, और वर्क प्रैक्टिस की फॉलोइंग ऑफ द प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशन के सतर्क है, तो ये एक प्राइमरी। सेकंड, ही शुड इंश्योर हाउ फार द अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव बीन फॉलोड इन रिकॉर्डिंग
बिजनेसेस ट्रांजेक्शंस, उसको फिर ये चेक करना होता है कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो किस हद तक फॉलोवर्स है, किस चीज का, यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो किस हद तक फॉलो कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस हद तक क्लियर है और वो किस हद तक सेंसियर है टूवर्ड्स देयर वर्क, जो उनको काम दिया गया है उसको करने में वो कहाँ से हद तक डेलीगेटेड है। तो ये चेक करना भी ड्यूटी ऑडिटर की, क्योंकि इसकी बुनियाद पर वो ये परसेप्शन डेवलप कर सकता है कि आया इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वीकनेसेस का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ही हैज टू सी दैट द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन इन यूनिफॉर्मिटी विच कंपनीज एक्ट, यानी जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी अकाउंट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं अकाउंट्स बुक के अंदर, क्या वो इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट के हैं या नहीं है। अगर उस कंपनीज एक्ट की फॉलोइंग नहीं है तो इसका मकसद है कि ये अकाउंट जो है ये रॉन्ग, गलत तस्वीर किए जाएंगे। तो ये भी चेक करना होता है कि जो कंपनीज एक्ट है उसको किस हद तक फॉलो किया जा रहा है। ये कंपनी एक्ट की बहुत बड़ी डिटेल है जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस बिजनेस के कोर्सेज में कराया था, अगर आपको याद हो। तो वो जो कंपनीज एक्ट है वो डिटरमाइन ही ये करता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट रिकॉर्ड को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरह कंट्रोल करना है। तो ये चेक करना भी जिम्मेदारी होती है ऑडिटर की। फिर उसके बाद होती है, फाइनली ही शुड चेक दैट द बैलेंस शीट एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन को जो रिप्रेजेंट करती है वो होती है उसकी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आपको पता है दो कॉलम होते हैं, एक एसेट्स का, एक इक्विटीज का, जिसके अंदर मुख्तलिफ मोर देन वन ईयर की तमाम ट्रांजेक्शन यानी रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसके अंदर ये चेक करना कि जो रिप्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट की जा रही है ये रिप्रेजेंटेशन सही है, इसके अंदर कोई गलती, इसके अंदर कोई मिस्टेक, इसके अंदर कोई फ्रॉड या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो ये चेक करना भी जिम्मेदारी होती है एक ऑडिटर की अपने काम को शुरू करने से पहले। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट के जरिए वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो हम हासिल कर सकते हैं या जो हम हासिल करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो एडवांटेज ऑफ ऑडिट है वो है, ऑडिटेड अकाउंट्स आर डिटेक्टेड एज एन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी अगर आपके, मैं एक क्रेडिटर हूँ और मेरे सामने दो ऑर्गेनाइजेशन लोन के लिए आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसका अकाउंट्स रिकॉर्ड जो है वो ऑडिट हुआ हुआ है और एक ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसका अकाउंट रिकॉर्ड विद ऑडिट नहीं है। तो जो अथेंटिक सिटी क्रिएट होती है अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर वो ऑडिट के जरिए होती है कि इसको एक दफा रिव्यू, इन्वेस्टिगेट और चेक किया जा चुका है। तो बगैर ऑडिट के आपके अकाउंट रिकॉर्ड की अथेंटिक सिटी क्रिएट नहीं होती। तो ये पहला एडवांटेज है ऑडिट का। सेकेंड एडवांटेज क्या है, एरर्स एंड फ्रॉड आर डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। यानी किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर जो एरर और फ्रॉड होते हैं उनको ना सिर्फ डिटेक्ट किया जाता है बल्कि उसको रेक्टिफाई यानी खत्म किया जाता है। यानी अगर ऑडिट है तो इसका मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है, इसमें किसी किस्म के एरर और फ्रॉड नहीं होंगे। और अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर एक लार्ज वैरायटी पॉसिबल एग्जिस्ट कर सकती है एरर्स की और फ्रॉड की। तो ये भी हमें चेक करना होता है कि हमारे ऑडिट के जरिए हम किस हद तक इसकी प्योरिटी और इसकी क्वालिटी इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर एडवांटेज ऑफ ऑडिट, इट इंक्रीज द मोरल ऑफ द स्टाफ एंड थस इट प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रेगुलर बेसिस पे आइदर ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली बेसिस पर ऑडिट एग्जीक्यूट किया जाता है,
वहाँ के जो स्टाफ और एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोराल बुलंद होता है, और वहाँ पर एरर और फ्रॉड को फ्यूचर में हम प्रिवेंटिवली कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं बचती किसी भी किस्म के फ्रॉड को प्लान करने की। लोगों को पता है कि ऑडिट के जरिए वो फ्रॉड पकड़ा जाएगा और उसके जरिए पनिशमेंट मिलेगी, एम्बेरसमेंट होगी। तो नतीजा ये है कि हम फ्यूचर में होने वाले फ्रॉड और एरर को पहले से ही कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट के अंदर, एन ऑडिटर बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज द ऑडिटर में एडवाइस ऑन वेरियस मैटर ऑफ हिज क्लाइंट्स। देखिए, ऑडिटर की हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि ऑडिटर कौन होता है, जो कि ऑलराउंडर होता है। यानी ऑडिटर सिर्फ अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नहीं होता, बल्कि वो एक खास एक्सपीरियंस रखता है एचआर से रिलेटेड, एक बेहतर एक्सपीरियंस रखता है मार्केटिंग से रिलेटेड, एक बेहतर एक्सपीरियंस रखता है सप्लाई चेन से रिलेटेड। वो जितनी भी फील्ड बिजनेस की डोमेन की है वो ऑलराउंडर होता है, जबकि मेन एरिया उसका फाइनेंस अकाउंटिंग होता है, लेकिन उसको उसकी ड्यूरिंग द स्टडी और आफ्टर द स्टडी जो वो अपने एक्सपीरियंस को गेन करता है वो हर डोमेन में करता है। यही वजह है कि उसके इस एक्सपीरियंस की वजह से वो इस कंडीशन में होता है कि वो अपने क्लाइंट को अपनी मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज की बुनियाद पर उसके मुख्तलिफ डोमेन में बेहतर फ्रूटफुल एडवाइस फराहम कर सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने क्राइसिस को खत्म करती है। तो वो एक बेहतर एडवाइजर भी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो एडवांटेज होता है ऑडिटर का, वो होता है एन ऑडिटर एक्ट एज एन ऑडिटर एक्ट एज प्रोसेस ऑफ हिज शेयर होल्डर, हेंस ही सेफगार्ड देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। एक ऑडिटर जो है एक तरीके से ट्रस्टी होता है किसका, अपने शेयर होल्डर का। और बुनियादी तौर पे जो भी आपने काइंड्स ऑफ कंपनी में पढ़ा होगा, एक कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है स्टेचरी कंपनी, एक होती है चार्टर्ड कंपनी। तो खास तौर पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है जनरल पीपल की, जो कि शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिसको रन कर रही होती है मैनेजमेंट, जो कि अंडर द सुपरविजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है। तो यहाँ पर एक बड़ा इशू ये होता है कि मैनेजमेंट जो एवरी ईयर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है, ये प्रॉफिट सही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट अपनी रेमुनरेशन को अननेसेसरी एक्सटेंड करने के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए प्रॉफिट एक्चुअली हो ज्यादा और उसको शो कम कर रही हो। तो ऐसे में जो ट्रस्ट लेवल होता है शेयर होल्डर का टूवर्ड्स प्रॉफिट, वो बढ़ता है ड्यू टू ऑडिट। क्योंकि ऑडिटर जो है अपने शेयर होल्डर के लिए एज ए ट्रस्टी काम करता है, और जब वो अपने शेयर होल्डर के लिए एज ए ट्रस्टी काम करता है तो उसका नतीजा ये होता है कि वहाँ पर ऑडिटर की जो मैनेजमेंट प्रॉफिट डिक्लेयर करती है उससे सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, और इससे रिलेशनशिप जो है इन्वेस्टर का और मैनेजमेंट का कायम दायम रहता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज ऑडिटर का, फॉर टैक्सेशन पर्पस ऑडिटिंग ऑफ एन अकाउंट इज मस्ट। यानी जो जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली आप पे टैक्स अप्लाई होता है, और गवर्नमेंट जो टैक्स की परसेंटेज है वो आफ्टर ऑडिट प्रॉफिट, यानी जब आपका प्रॉफिट होने के बाद ऑडिट हो जाए और ऑडिट ये डिक्लेयर कर दे कि जो प्रॉफिट है वो लेवल ऑफ प्रॉफिट एक्यूरेट है, सही है, तब गवर्नमेंट मुतमईन होती है और वो फिर टैक्स अप्लाई करती है आपके प्रॉफिट के ऊपर। तो टैक्सेशन इज नॉट पॉसिबल बिफोर ऑडिट या नेग्लिजेंस ऑफ ऑडिट। एक और एडवांटेज ऑडिट का ये है, इन केस ऑफ एनी क्लेम इज टू बी मेड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज ओनली ऑडिटेड अकाउंट शुड बी सबमिटेड।
जब कोई क्लेम आप बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस मैरीन भी होता है, इंश्योरेंस लाइफ भी होता है, इंश्योरेंस गुड्स का भी होता है, इंश्योरेंस एसेट्स का भी होता है। तो जब इंश्योरेंस के एग्रीमेंट के तहत कोई लॉस होता है कंपनी को और कंपनी उस लॉस के रिकवरी के लिए इंश्योरेंस कंपनी से रिजू करती है, तो उसमें जो रिकॉर्ड आपको देना होता है अपना फाइनेंशियल, अगर वो ऑडिटेड होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी, जो सही समझेगी, और अगर वो ऑडिटेड नहीं होगा तो कंपनी उसको कभी भी सही नहीं समझेगी और वो ऐसे में आपका क्लेम को रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो ये बेटा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, अभी यहीं तक क्लास को रोकते हैं क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अभी आप आरिफ रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें। ओके सर, अब बेटा कोई अभी आ